हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेटाफोर्स के अंदर हम एक स्लॉट से स्टार्ट करें या छह स्लॉट से, तीन से, मल्टीपल स्लॉट से स्टार्ट करने में और एक स्लॉट से स्टार्ट करने में क्या फ़र्क है। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो वीडियो है आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी रिसर्च और अपनी एनालाइज के अनुसार करें। चैनल आपका किसी भी प्रकार के लॉस या प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। फ्रेंड्स, जो भी मेटाफोर्स का प्लान देखता है तो हर व्यक्ति के माइंड के अंदर एक यही क्वेश्चन रहता है कि भाई जब हम स्टार्ट करें तो जो टोटल 12 स्लॉट है, अभी 12 स्लॉट के अंदर से हमें कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति का क्वेश्चन यही रहता है कि सर हम एक स्लॉट से ही स्टार्ट कर लेते हैं, $5 से ही। सिस्टम ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है। आप एक स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हो, दो से भी कर सकते हो, तीन से भी कर सकते हो, चार से भी, या पूरे के पूरे 12 के 12 स्लॉट भी आप बाई करके अपना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप जितना ज़्यादा पैसा लगाते हो आपको रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा आता है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप अगर एक स्लॉट से स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर आपको नुकसान क्या है। चलिए देखिए, बोर्ड के ऊपर आप एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने 6 स्लॉट किए हैं। जो पहला स्लॉट है ये $5 का है, दूसरा $10 का है, तीसरा $20 का है, चौथा $40 का है, फिर 80 का, फिर 160 का। अब ये 6 स्लॉटों के अंदर ये दो स्लॉट आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट। इनके अंदर क्या है, ये जो स्लॉट हैं ये हैं, इसको हम बोलते हैं S3 के, S3, और जो ये है S6 के। S6 का मतलब है एक के नीचे 6 गोले, और S3 का मतलब एक के नीचे ये 3 गोले। तो ये जो दोनों स्लॉट हैं ये आपके वर्किंग के रहते हैं, और ये वाले स्लॉट हैं ये नॉन वर्किंग के रहते हैं। जब भी आपकी शुरुआत होती है तो आपकी शुरुआत पहले स्लॉट से होती है, जो कि स्लॉट वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों का ही है। अभी आपने $5 का इन्वेस्टमेंट किया है और इस स्लॉट से आपने स्टार्ट कर लिया, सपोज कीजिए आज आपने स्टार्ट किया है, तो अभी इन गोलों के अंदर जब भी पेमेंट आएगी, चाहे वो आपके काम करने से आए ना नॉन वर्किंग से आए, तो तब जा कर के आपका आगे वाला स्लॉट बाई होगा, 10 वाला। अभी आपने सिर्फ 5 का बाई किया हुआ है, तो जो नॉन वर्किंग इनकम है सिर्फ वो 5-5 वाले स्लॉट के अंदर ही आएगी, 10 वाले में उसके अंदर नहीं आएगी। अब ये आपका 5 वाला स्लॉट भरने के लिए हो सकता है आपको एक हफ्ता लग जाए, किसी को व्यक्ति को 10 दिन भी लग सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा होगा वो एक दिन के अंदर भी इसको रिसाइकल कर देगा। अभी मैं देखता हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने इसको स्लॉट को भरने के लिए सिर्फ उसने 3 दिन लगाए, 3 दिन के अंदर उसका ये स्लॉट कंप्लीट हुआ, जब उसका ये $5 का स्लॉट कंप्लीट होगा उसके बाद में उसका ये 10 का बाई होगा। जब ये इसका 10 का बाई होगा तब इसके अंदर 10 वाले के अंदर नॉन वर्किंग इनकम आना स्टार्ट होगी। इसी प्रकार से 10 का फिल होने में मान ले उसको और 3 दिन लग गए, तो यहाँ पर हमारा 2 स्लॉट बाई करने में ही हमारा 1 वीक लग गया है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर 6 स्लॉट तक पहुँचने में हो सकता है आपको 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए। तो ये जो आपका जो टाइम पीरियड है ना ये बढ़ जाएगा, और इन स्लॉटों के अंदर आप जो इनकम है ना वो बहुत कम ले पाओगे। यहीं पर अगर किसी व्यक्ति ने पूरे के पूरे 6 के 6 स्लॉट बाई करके काम स्टार्ट किया तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसका एक बार इन्वेस्टमेंट तो होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, $315 का, $315 का उस व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट हुआ, जो कि आज के रेट के अकॉर्डिंग 26,500 के अकॉर्डिंग समथिंग हो जाता है। अब उसने ये $315 इन्वेस्टमेंट किए हैं और इसने ये 6 के 6 स्लॉट बाई कर लिए। अभी ये जो इसके 4 स्लॉट है, 5 वाला, 10 वाला, 40 वाला, 80 वाला, अगर ये व्यक्ति किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराता तो इनके अंदर कभी भी इनकम आ सकती है। अभी आपने ज्वाइनिंग की है, हो सकता है इसके 1 घंटे के बाद में ही आपको यहाँ पर ये आपका गोला भर गया। अगले दूसरे घंटे के अंदर आपका ये गोला भर गया, तो यहाँ पर क्या होगा,
इस स्लॉट के अंदर आपको जो इनकम है वो $80 की इनकम हो जाएगी, $80 की। लेकिन आपका 5 वाले में 10 वाले में अभी कुछ भी नहीं आया, 40 वाले में कुछ भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आ गया। तो हर व्यक्ति जो मल्टीपल स्लॉट से जाता है उस वो इसलिए जाता है कि भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट ओपन हो जाए और जो नॉन वर्किंग इनकम है मुझे वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाए। वहीं पर जैसे इसका 40 का भी ओपन है, अभी 40 वाले में भी इसको कोई भी बंदा एकदम से आ सकता है। मान लीजिए इसका यहाँ पर 40 वाले में यहाँ पर ये बंदा आ गया, ये भी इसका गोला भर गया, यहाँ पर भी इसके कोई ने ये भी गोला भर गया है, अभी ये भी भर गया है। तो उस क्या होगा, इसके ये जो दो गोले भरे हैं ना, इन दो गोलों से $40 की पेमेंट इस गोले में आ गई, 40 की इसके अंदर आ गई, तो यहाँ पर $80 की इसको फिर इनकम होगी। इस गोले में, इस गोले में जो पेमेंट आती है तो ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इन दोनों गोलों की तो पेमेंट आपको मिलती है। आपने अभी तक किसी भी व्यक्ति को ज्वाइनिंग नहीं किया, लेकिन $160 की इनकम आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गई है। यहीं पर 40 वाले में दो बंदे और आ जाते हैं तो ये फिर बढ़ जाएगा, यहाँ पर $40 की इनकम फिर आपको हो जाएगी। ये दोबारा से फिर खाली हो जाएगा, क्योंकि ये 6 के 6 गोले भरने के बाद में ये पूरा रिसाइकल हो जाएगा। जैसे ही ये रिसाइकल होगा, रिसाइकल होने के बाद में दोबारा से फिर इसके अंदर इनकम आने लग जाएगी। अभी इस स्लॉट का आपने पेमेंट तो एक बार किया है सिर्फ $40 का, लेकिन इनकम इसके अंदर, इस स्लॉट के अंदर आप बार बार लेते रहोगे, बार बार लेते रहोगे, जब तक सिस्टम चलता रहेगा, जब तक आपकी इसके अंदर आपको इनकम ऑटोमेटिक आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा बताने का अर्थ यही था, अगर आपके पास में पैसा है, आपके पास में बैकअप है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपका बजट है, तो कम से कम आप अपने 6 स्लॉट बाई करके स्टार्ट करो, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम यहाँ से उठा सकते हो। अगर आप 1-5 से या 10 से स्टार्ट करोगे तो इससे आप इतनी मल्टीपल इनकम नहीं ले सकते हो, और यहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और जब तक आपकी टीम भी हो सकता है आपसे ज़्यादा आगे निकल जाए, और आपके डाउन के अभी सपोज के यहाँ पर आपने 2 स्लॉट बाई किए हैं, अभी आपने किसी को प्लान रेफर किया, उस व्यक्ति को प्लान बहुत अच्छा लगा और वो कहता कि भाई मैं तो अपने पूरे के पूरे 6 के 6 स्लॉट बाई करूँगा। अभी वो व्यक्ति अपने अगर 6 स्लॉट बाई करेगा तो वो उससे जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 5 वाले स्लॉट में मिलेगा और 10 वाले में मिलेगा। जो ये 4 स्लॉट है इनका जो भी प्रॉफिट है ये आपसे फ्लैश आउट हो जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा। तो आप कहीं से भी एडजस्टमेंट करके, अगर आपके पास में इतना बैकअप है तो आप 6 स्लॉट से स्टार्ट करो। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो डिस्कशन के अंदर मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आप संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।